नमस्कार, आपण मानंकु स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर रखला संवाद। मुख्य संवाद रे आरएसपी रो सीईओ को द्वारा कर्मचारी को निमन्ते आरएसपी प्लांट स्टेटस मोबाइल आप रो शुभारंभ, एसएमएस एक विभाग रे मासरो श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार प्रदान, एवं आपणको कंप्यूटर को जानंतु एवं सुरक्षा करंतु शीर्षक कार्यक्रम एचआरडी सेंटर ठारे आयोजित। वर्तमान संपूर्ण संवाद। राउरकेला इस्पात कारखानार कर्मचारीको पई उद्दिष्ट एक नूतन मोबाइल आप आरएसपी प्लांट स्टेटस को आरएसपी रो सीईओ श्री अश्विनी कुमार जनवरी 16 तारीख रे सीईओ सम्मेलन कक्ष ठारे आयोजित एक उत्सव रे शुभारंभ करथिले। एहि अवसर रे कार्मिक ओ प्रशासन विभाग रो ईडी श्री राजवीर सिंह, कार्य विभाग रो ईडी श्री गौतम बनर्जी, सामग्री परिचालना विभाग रो ईडी श्री दिलीप कुमार महापात्र बहु महाप्रबंधक उपस्थित थिले। एहि नूतन मोबाइल आप कारखाना रो पीपीसी विभाग सर्वर रु डाटा संग्रह करूछि एवं एहा व्यवहारकारी को कारखाना रो विभिन्न विभाग रो उत्पादन धारा भली समस्त तथ्य प्रदर्शित करूछि। कारखाना संबंधी सूचना जानिबा पई कारखाना मध्यरे उपलब्ध इंटरनेट सिस्टम रे लॉग इन करिबा बदलरे एही नूतन मोबाइल आप जरियारे कर्मचारी माने जे कोनोसी जागा रे थाई मध्य निज निज मोबाइल फोन माध्यम रे कारखानार उत्पादन जनित आवश्यकीय तथ्य हासिल करिपरिबे। नूतन रूपे शुभारंभ होइथिबा एही नूतन मोबाइल आप को नै सीईओ संतोष व्यक्त करथिले एवं एही नूतन सुविधार विकास साधन रे जड़ित कर्मचारी दलर उच्च प्रशंसा करथिले। प्रारंभ रे सी एंड आई टी विभाग जीएम श्री राम नारायण नायक एही नूतन मोबाइल आप विषय रे सम्यक आलोकपात करथिले। सी एंड आई टी विभाग मैनेजर श्री एसके गौतम उक्त मोबाइल फोन रे उक्त आप रो इंस्टॉलेशन ओ कार्यधारा संपर्क रे एक उपस्थापना प्रस्तुत करथिले। सूचनाजोग्य जे उपरोक्त नूतन आप सी एंड आई टी विभाग एजीएम श्री समरेन्द्र बेहरा और श्री धीरेन्द्र महापात्र, मैनेजर श्री भिपी आर्य और श्री एसके गौतम एवं डीपीओ श्री जोजुन जोजु दास द्वारा विकसित होईछि। एही नूतन एंड्रॉइड मोबाइल आप आरएसपी प्लांट स्टेटस गुगल प्ले स्टोर रु डाउनलोड करा जाय पारिबो एवं कर्मचारी माने कारखानार इंटरनेट सिस्टम रे कर्मचारी योजनार व्यवहार करूथिबा समान यूजर आईडी ओ पासवर्ड व्यवहार करी एथिरे लॉग इन करि पारिबे। एसएमएस एक विभाग रे जनवरी 14 तारीख रे मासर श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार प्रदान निमन्ते एक पुरस्कार उत्सव अनुष्ठित होई जायछि। उक्त उत्सव रे एसएमएस एक विभाग रो जीएम श्री एस माझी अध्यक्षता करिबा सहित अक्टोबर ओ नवंबर मासर श्रेष्ठ कर्मचारी विवेचित विभाग रो एसओएसटी श्री गुरुचरण पुरन एवं सीनियर टेक्नीशियन श्री आर एन दास को पुरस्कार प्रदान करथिले। पुरस्कार वितरणी उत्सव रे विभाग रो बहु अधिकारी ओ कर्मचारी उपस्थित थिले। बहुल रूपे क्षतिग्रस्त होइथिबा एक लैडल रो नवीकरण ओ पुनः कार्यक्षम करबा क्षेत्र रे श्री पुरन महत्वपूर्ण योगदान देथिले। एहा कास्टर रो जरूरीकालीन ऑपरेशन पुनः आरंभ निमन्ते सहायक होइथिला। सेहिबळी सर्वनिम्न समय मध्यरे बियरिंग परिवर्तन रे श्री आरएन दास महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले। एही कार्यक्रम को कार्मिक विभाग रो असिस्टेंट मैनेजर सुश्री एस एम सिंदूर संयोजना करथिले। आपणको कंप्यूटर को जानंतु एवं सुरक्षा करंतु शीर्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एचआरडी सेंटर ठारे जनवरी 14 तारिख रे आयोजित होइथिला। एहार उद्यापनी अधिवेशन रे सी एंड आई टी विभाग रो जीएम श्री राम नारायण नायक अध्यक्षता करी अंशग्रहणकारी ठारु फीडबैक ग्रहण करथिले। एही अवसर रे एचआरडी विभाग रो डीजीएम श्री एच एन पति मध्य मंचासीन थिले। उक्त कार्यक्रम रे 11 जन अधिकारी भाग नेथिले। यंत्रोपकरण रो कार्य निपुणता ओ निर्भरशीलता रे उन्नति, कंप्यूटर जीवन सीमा रे वृद्धि ओ समस्या रो त्वरित चिन्हटीकरण उक्त कार्यक्रम आयोजन रो लक्ष्य थिला। सी एंड आई टी विभाग मैनेजर श्री भिपी आर्य ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ओ ब्राउजिंग संदर्भ रे एक अधिवेशन रे तथ्य उपस्थापित करथिले। विभाग मैनेजर श्री संजय गौतम अन्य एक अधिवेशन रे अन्यान्य विषय यथा एंटीवायरस, फायरवाई वायरस,
ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏଚ୍ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ସିଏଣ୍ଡଆଇଟି ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ କକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।